जहर इकबाल से शादी करना सोनाक्षी के लिए इतना महंगा पड़ जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अजय देवगन जो कि सोनाक्षी के बहुत बड़े करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार पार्ट 2 से सोनाक्षी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह एक नई अभिनेत्री ने ले ली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सन ऑफ सरदार फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को 2012 में रिलीज किया था। दिवाली के खास मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को जमकर पसंद भी किया गया था। इस फिल्म में अजय देवगन फिल्म के लीड अभिनेता था और उनके साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और जूही चावला ने बतौर सपोर्टिंग एक्टर किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म में भाईजान सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस भी था और ये उस समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन फिल्म के दूसरे भाग से सोनाक्षी सिन्हा को क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसके पीछे फैंस का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने जब जहर इकबाल से शादी की तब से ही मेकर्स की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, आइए चली जाने की कोशिश करते हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा ने आज से तकरीबन 3 महीना पहले जहर इकबाल संग शादी रचाई। जहर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा से तकरीबन कई सालों से लगातार एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे और मुस्लिम परिवार से आने पर सोनाक्षी सिन्हा ने उन्हें अपना हमसफर बनाया। इस शादी के खिलाफ पूरा का पूरा परिवार खड़ा हुआ, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने किसी की भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि अपने माँ बाप के अलावा अपने दोनों भाइयों की भी उन्होंने नहीं सुनी। यही बड़ी वजह है कि उन्होंने जहर इकबाल से शादी रचाई तो उनके परिवार में भी कलह देखने को मिली। पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ना चाहते हुए उनकी शादी का हिस्सा बने, तो ही दूसरी ओर उनके छोटे भाई लव सिन्हा ने इस शादी से अपना मुंह मोड़ लिया और कई मौकों पर नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन सबसे उलट सोनाक्षी सिन्हा अपनी मस्ती में ही झूम रही है और अपने पति जहर इकबाल संग कई सारी तस्वीरें पोस्ट शेयर कर रही है। लेकिन इसी कड़ी में अफवाहों की माने तो बताया जाता है कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार पार्ट 2 से सोनाक्षी को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने जहर इकबाल से शादी की थी। हालांकि इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इस बार फिल्म की किसी नई अभिनेत्री के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। यही बड़ी वजह है कि मृणाल ठाकुर ने सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म के दूसरे भाग में रिप्लेस कर दिया है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन और संजय दत्त की जोड़ी फिल्म के अगले भाग में भी देखने को मिली। इसके अलावा दीपक डोबरियाल, कुबरा सैयद, अश्विनी कालसेकर, नीरू बाजवा और रवि किशन जैसे शानदार कलाकार भी फिल्म के दूसरे भाग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ही दूसरी ओर और भी कई सारे सपोर्टिंग एक्टर फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। सन ऑफ सरदार पार्ट 2 को इस बार विजय कुमार अरोड़ा निर्देशित कर रहे हैं और फिल्म में मृणाल ठाकुर, अजय देवगन, संजय दत्त अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग काफी धड़ल्ले से की जा रही है। इसी के साथ ही अगर सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा की पिछली रिलीज फिल्म की अगर बात करें तो उनकी फिल्म थी बड़े मियां छोटे मियां, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर डिजास्टर साबित हुई। हालांकि इस फिल्म में इन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था, लेकिन सबके बावजूद अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टार यह फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके साथ ही अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बताया जाता है कि निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस को लेकर वो इस समय काफी चर्चाओं में है और फिलहाल यह फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन पे है। इसके अलावा आने वाले समय में सोनाक्षी और भी कई सारी फिल्मों का हिस्सा बन सकती हैं। तो वहीं दूसरी ओर सन ऑफ सरदार पार्ट 2 की बात करें तो इस फिल्म को लेकर धड़ल्ले से काम किया जा रहा है और अजय देवगन एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह रही है कि मृणाल ठाकुर से सोनाक्षी सिन्हा को क्यों रिप्लेस किया गया, इस बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या वाकई में सोनाक्षी सिन्हा को जहर इकबाल से शादी करने की वजह से ही फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है या फिर इसके पीछे की और कोई सच्चाई है? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।